चोरी ऊपर से सीना चोरी, कहावत तो आपने सुनी ही होगी। यह वाक्य असल में देखने और सुनने को मिल रहा है। तहसीलदार प्रकाश चंद साहू और पटवारी विनोद कुमार टंडन के बीच 22 मई को घटित जमीन के फूट नामांतरण का मामला अब जातिगत गाली गलौज करने तक की बात सारंगढ़ क्षेत्र में आग की तरह फैल गई है। गुमटे पान ठेले के से लेकर अन्य विभागों में इसकी चर्चा शुमार हो रही है। दरअसल पूरा मामला एक जमीन के फर्जी फोती काटने से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर हलका नंबर 21 चंदाई की एक महिला ने तहसीलदार से पटवारी विनोद कुमार टंडन के विरुद्ध पैसे लेकर काम नहीं करके देने कर दिए, जिस पर तहसीलदार प्रकाश साहू ने संज्ञान लेते हुए पटवारी विनोद कुमार टंडन को तहसील कार्यालय तलब किया, लेकिन बार बार तहसीलदार के बुलाने पर भी पटवारी नहीं आया। वहीं फिर से तहसीलदार ने पटवारी को फोन पर कार्यालय आने को कहा और पटवारी के आने के बाद तहसीलदार ने पटवारी विनोद को महिला के शिकायत के बारे में बताया और तत्काल डिटेल मांगी। तहसीलदार को बोले महज 2.5 घंटे में ही पटवारी ने व्हाट्सएप के जरिए तहसीलदार को मामले के बारे में जानकारी दी, जिसमें लिखा था कि पूर्व के पटवारी का असिस्टेंट विजय कुर्रे का किया धारा है, उसी ने फर्जी फोती 20,000 लेकर पटवारी के फर्जी दस्तखत करके दिए थे और सेटिंग भी जबरदस्ती ऑनलाइन भी करवाया दिया था। अब फंसने की बारी पटवारी विनोद की थी। उन्होंने विजय कुर्रे के द्वारा काटे गए फोती को पूर्ववत कर दिया, जिसमें पटवारी फंस गया। अपने ऊपर कार्रवाई होते देख पटवारी अपने बचाव के लिए तहसीलदार पे आरोप लगा दिया कि उनके द्वारा जातिगत गाली गलौज किया गया है, जबकि जिस समय जातिगत गाली गलौज की बात पटवारी के द्वारा की जा रही थी, तहसीलदार के बताए अनुसार वे उस वक्त रायगढ़ चुनाव ड्यूटी करने जा रहे थे। इससे तो यही प्रतीत होता है कि पटवारी अपने बचने के लिए तहसीलदार पर झूठे आरोप लगाकर कार्रवाई से बचना चाहता है। तहसीलदार प्रकाश साहू ने बताया कि पटवारी के द्वारा शिकायतकर्ता महिला के ऋण पुस्तिका में फर्जी फोती काटने के बाद उसे पूर्ववत कर दिया गया है, जो कि गलत है और इसे पूरे मामले की जांच पूर्ण कर ली गई है। आगे इसमें विधिवत कार्यवाही की जाएगी। सर, आपके ऊपर एक आरोप है कि आप जातिगत गाली गलौज करते हैं पटवारी से, पूरा मामला क्या है सर? एक्चुअल में हुआ ये कि एक महिला के द्वारा मेरे न्यायालय में आकर के फर्जी फौती नामांतरण करने की एक शिकायत प्राप्त हुई, और जो व्यक्ति उससे पैसा लेकर के 20,000 रुपये पैसा लेकर के पटवारी का जो सहयोगी है विजय कुर्रे नाम पर, विनोद टंडन जो हमारे पटवारी उनके सहयोगी है, उनका ऐसा कहना है, उनके द्वारा 20,000 रुपये लिया गया। 20,000 रुपये ले करके उसके किसान किताब में ऋण पुस्तिका में फर्जी तरीके से फौती दर्ज कर दिया गया और तत्कालीन जो उस समय के जो पटवारी था उसका फर्जी साइन कर दिया गया। तो अब ऐसी शिकायत आई, उसको मैंने जांच में लिया। जांच में लेने के बाद मैंने पटवारी को बुलाया, पटवारी को बुला करके बोला ऐसा ऐसा बात है, आपके कोई असिस्टेंट है उसके पर खिलाफ़ ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि आपने उसके बाद उसको फिर से पूर्ववत कर दिया, तो क्या वस्तु स्थिति क्या है इसका, मेरे को प्रतिवेदन दो जाँच में। चूँकि घटना 22 तारीख की है ना, 22 तारीख को एक्चुअल में हुआ क्या था ये बता रहा हूँ मैं। 23 तारीख को मतगणना थी, मतगणना ड्यूटी लगी थी मेरी SDM साहब और नायब तहसीलदार साहब। हम लोग लगभग दो बजे ऑफिस से यहाँ से निकल गए थे, मैं नायब तहसीलदार मेरे घर गए, और उस 2 बजे के आसपास पटवारी आया था। उसको मैंने बोला कि जल्दबाजी में थे, चूँकि बहुत सारे सामग्री वगैरह भी लेकर के जाना था, कल मतगणना करना है, ड्यूटी लगा था सुबह 5 बजे से, तो कुछ कुछ आवश्यक तैयारियाँ भी करनी होती है करके हम लोग थोड़ी जल्दी निकले। तो उसको ये बोला कि अभी मैं तुमको लिखित में नहीं दे रहा हूँ, ये जो शिकायत है उसको फ़ोटो खींच लो मोबाइल पर, और इसको इस संबंध में मेरे को पूरी विस्तृत जानकारी देना, क्योंकि FIR होगा, फालतू में लपेटे में वो हो जाएगा, जो है जैसा है उसको वस्तु स्थिति मेरे को जान दो। नामांतरण पंजी देख लो उस सन का, क्योंकि उस सन में वो तो पदस्थ नहीं था जिस समय का उसने तब्दीलात दर्ज किया गया। तो उसने फिर 4:37 में, उसी दिन 4:37 में मेरे व्हाट्सएप में उन्होंने पूरा जाँच करके कम्प्लीट जाँच प्रतिवेदन दिया हुआ है, हल्का पटवारी ने व्हाट्सएप में भेजा। उसके पहले मैं मेरी उससे बात हुई थी, मैं बोला एक काम करना विनोद, अभी मैं तो दो हो सकता है दो दिन लगे रायगढ़ में रहूँगा, तो एक व्हाट्सअप में फिलहाल मेरी जानकारी के लिए उसको जांच करके भेज देना, फिर बाकी न्यायालय में भेज देना। तो उन्होंने मेरे को 4:37 में भेजा भी कि ऐसा ऐसा है सर करके, उसमें स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने मेरे असिस्टेंट ने ऐसी ऐसी गलती की है, मैं दलाली का काम करता है, विजय कुर्रे ने ऐसा ऐसा किया है, फर्जी साइन किया है, पैसा लिया है, जब मेरे को पता चला तो मैं उस काम को रोक दिया हूँ।
अब इसमें ये बात स्पष्ट हुआ कि पहले तो उसके उसके जो सहयोगी है उन्होंने क्या किया, फर्जी कर दिया, ऑनलाइन उसको करवा दिया। ऑनलाइन होने के बाद पटवारी ने क्या किया, हमारे संज्ञान में नहीं लाया और फिर से पूर्ववत करवा दिया रिकॉर्ड को। पहले हीरा लाल के नाम पे था, हीरा लाल से सूरज रात्रे के नाम पे 5/3/19 को आ गया, फिर 10/3/2019 को पूर्ववत रिकॉर्ड हीरा लाल के नाम पे। कहीं ना कहीं मैंने जानकारी इसमें पटवारी विनोद का भी हस्तक्षेप रहा है इस पूरे मामले में। पटवारी का हस्तक्षेप ये है कि उसको जो किया वो पूर्ववत किया, उसको ऐसा नहीं करना, संज्ञान में मेरे लाना था, मेरे यहाँ बताना था, अपन उसको प्रक्रिया मिले तो उसके बाद करना। अब हुआ क्या, ये अपने बचाव के लिए इस बीच में उसको पता नहीं क्या कैसे हुआ, अभी अपने बचाव के लिए मेरे खिलाफ शिकायतें किया हुआ है, कलेक्ट्रेट में दिया और कहीं कहीं पे कि मैं जातिगत गाली गलौज किया, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ये जो महिला महिला का जो शिकायत है, महिला जो आप शिकायत की, क्या इसकी पुष्टि हो गई सर? नहीं, महिला जो कह रही है नहीं नहीं सुनिए ना, अब ये महिला शिकायत का हुआ, उसके बाद हमने नामांतरण पंजी में मंगाया न्यायालय में, नामांतरण पंजी 2013-14 का, 12-13 का, 14-15 का पूरा देखा, उस संबंध में कहीं कोई एंट्री नहीं है, और नामांतरण क्रमांक 48 लिखा, जबकि 12-13-14 में अधिकतम 17 नामांतरण हुए, उस पंजी में केवल 17 तक ही अंकित है, उस 18 उधर है ही नहीं, मतलब 48 तक पॉसिबल ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने उसको नोटिस दे करके हाँ अपने न्यायालय बुलाया आरोपी को, तो नोटिस लेने से इनकार कर दिया साफ साफ 3/6 को। फिर से उसके खिलाफ मैंने कल के पेशी थी, कल के डेट में मैं जमानती वारंट जारी किया, तो जमानती वारंट में भी पुलिस वाले जब गए तो उसको व्हाट्सएप में नंबर में बात हुई तो फ़ोन में आ रहा हूँ करके 1.5 घंटा घुमा दिया, उसके बाद फिर फ़ोन ही नहीं उठाया, पुलिस वाले ऐसा बताए नोटिस जुटा नहीं करने गए थे तो आ नहीं रहा सामने। और जिस दिन से घटना हुई है उसके बाद लगभग 25-26 तारीख से पटवारी लगातार गायब है, बिना कोई सूचना के मुख्यालय चौक पे गया हुआ है ना, हमको कोई सूचना नहीं। बाद में मेरे को SDM सर के थ्रू पता चला कि उन्होंने डाक से कोई मेडिकल भेजा हुआ है कि स्वास्थ्य खराब है, बाकी ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ये सच्चाई है, यही है। तो आपके द्वारा किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? अभी जाँच चल रहा है, लगभग जाँच अभी कम्प्लीट हो गया है, इसका प्रतिवेदन बना करके उच्च अधिकारी को अवगत कराया जाएगा, इस पे संबंधित विधिवत कार्रवाई होगी, जो भी जैसे भी बनता है उच्च अधिकारियों से पैसा ले लेता हूँ, राय ले लेता हूँ।